बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे सुभाष चंद्र बोस जी को, जो कि रेफरी के लिए धूप को ध्यान में रखते हुए कुछ सदस्यों के लिए और कुछ रेफरियों के लिए केक का व्यवस्था किया है और साथ ही कमेंटेटर्स के लिए भी केक का व्यवस्था कर दिया है। इसके लिए हम यूथ यूनियन फुटबॉल क्लब पांगर को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं सुभाष चंद्र बोस जी को और यूट्यूबर के लिए भी एक एक केक का व्यवस्था कर दी गई है। कुछ ही समय बाद ये केक आप सब को उपलब्ध कर दी जाएगी, विशेषकर धूप को ध्यान में रखते हुए। आज बिल्कुल लेकिन इस समय मैदान के बीचों बीच चलेंगे जहां पर एक तरफ देखा जाए मतलब हाथों और दूसरी तरफ देखा जाए प्रिय दर्शनी क्लब टांगा। और इस समय वाइट कलर के पोशाक पर टांगा के तमाम खिलाड़ी एवं रंग बिरंगे जर्सी पर नजर आते हुए इस समय मतलब हाथों और निश्चित रूप से ये पहला समय देखना पड़ेगा कौन सी टीम में सेकेंड राउंड में अपना जगह को क्वालिफ कर पाएंगे। लेकिन इस समय गेंद कॉर्नर के समय पे डिफेंडर मौजूद है मतलब हाथों की ओर से और डिफेंडर ने यहाँ पर गेंद को निकाला जरूर थी लेकिन तब तक टंगर की ओर से एक दमदार की गई जर्सी नंबर 3 के द्वारा और गेंद उसी के द्वारा से बाहर जाता है। अब टीम बिल्कुल यहाँ पर हर मैच प्रत्येक मैच के लिए अनाउंस है कि प्रत्येक मैच में जो पहला गोल डालेगी उस खिलाड़ी के लिए 100 रुपए की इनाम यहाँ पर रखी गई है। और लेकिन जी साथ ही साथ मैन ऑफ द मैच प्रत्येक मैच के लिए ये भी पूरी तरह से यूथ यूनियन क्लब टांगर की ओर से कल से ही तमाम मैन ऑफ द मैच खिलाड़ियों को देते हुए बिल्कुल यहाँ पर सभी टीम्स के लिए और जो पहला गोल दागने वाले और मैच में सबसे बेहतरीन फुटबॉल खेलने वाले के लिए सुभाष ने अपने लेफ्ट विंगर के लिए गेंद को पास किया है। देखना पड़ेगा फिर से सुभाष के लिए देना चाहते थे लेकिन इससे पहले गेंद को अपने नियंत्रण में रखने की कोशिश देखना पड़ेगा। मौका मिलता हुआ यहाँ पर बेहतरीन विक्टोरियो बंदर गेंद और हमर की करते हुए गोल दागता हुआ बेहतरीन गोल दागते हुए लेकिन इसी के साथ एक बेहतरीन की गाड़ी गई लेकिन दूर मौजूद यहाँ पर हेडर के जरिए गेंद को किले करने के प्रयास लेकिन तब तक मुख्य रक्षा पंक्ति राइट हाथ के लिए गेंद निकालते हुए राइट हाथ के कब्जे में गेंद एक लाइन स्पीड करने के बाद लेफ्ट फुट का इस्तेमाल करने का प्रयास लेकिन उससे पहले गेंद को छीनने का प्रयास लेकिन इस समय गलत तरीके से रोकने का प्रयास उसी का नतीजा था। इस समय के फ्री किक रन में मिलेगी कमर हाथ निश्चित रूप से कमर हाथों पहला हाथ में ही 2-0 के मजबूत के साथ मैदान के अंदर नजर आते हुए ये देखना पड़ेगा समय प्रश्न नंबर 10 अपने साथी खिलाड़ को ढूंढते हुए सुभाष ने यहाँ पर माइनस पास करते हुए अपने साथी खिलाड़ी प्रश्न नंबर 13 के लिए लाभो और लाभो ने यहाँ पर पुनः बार गेंद को सुभाष के लिए और सुभाष ने यहाँ पर बिना विलंब के अपने जर्सी नंबर 9 के लिए और 9 ने यहाँ पर लंबे पास के साथ दूर के लिए देखना पड़ेगा यहाँ पर क्या कुछ कर पाएंगे। एक अच्छा पास के साथ सुभाष के लिए और सुभाष ने यहाँ पर एक खिलाड़ी को बीट करने के बाद दूसरा खिलाड़ी को बीट करने का प्रयास हाथों ने यहाँ पर इशारा करते हुए फुट का इस्तेमाल करते हुए जर्सी नंबर 12 के लिए गेंद निकाल दिए हैं देखना पड़ेगा जिसके द्वारा एक स्कोर देखने को मिली थी पहला स्कोर सुनम कंसर और उसी के पैरों में गेंद से पुनः एक बार गेंद को छीनने का प्रयास करते हुए इस समय लेकिन इस समय पुनः एक बार गेंद सुभाष ने अपने साथी के लिए जर्सी नंबर 4 के लिए गेंद को निकालते हुए 4 नंबर के कब्जे में गेंद देखना पड़ेगा यहाँ पर छोटा सा मैंने सुभाष के साथ जर्सी नंबर 13 के लिए और ये दमदार की बात की जरूर लेकिन रक्षा पंक्ति के लिए तरह गेंद को रोकने में सफल होता है लेकिन इसी के साथ कहते कहते रेफरी मौका दिया है। मैं अपना योग डकला यंत्र है। हम वो यंत्र है।
अपने